लखनऊ चलो में हम आपको गोंडा ले चलेंगे, जहां पर इस चुनाव में विरासत की जंग देखने को मिल रही है। पहले बात करेंगे भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण सिंह की, जो मौजूदा भाजपा विधायक हैं और फिर से गोंडा सदर सीट पर ताल ठोक रहे हैं और प्रचार में अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। भैया जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद। गोंडा सदर सीट से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण फिर से चुनाव मैदान में और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर दंगेश वाला हमला बोल रहे हैं। दंगेश भाई से बहुत परेशान थे और हम सब लोग दंगेश भाई से मुक्ति चाहते हैं कि वो जाला माला अपना लेकर कहीं किसी और जगह चले जाए। दंगेश भाई अच्छा, ये कौन सा भाई है? हमने दाऊद भाई सुना, मुख्तार भाई सुना, अतीक भाई सुना, ये दंगेश भाई कौन आया है? दंगेश भाई वो है जो दंगाइयों का नरेश है, दंगाइयों का ईश्वर है, दंगाइयों का मित्र है। ऐसे व्यक्ति को मैं दंगेश कहता हूँ और मैं कहता हूँ कि उसकी परछाई मेरे गोंडा पे अब ना पड़े। बड़ी मुश्किल से ठीक किया हूँ, इतने परिवार झुलस गए दंगों की आग में। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि दंगेश भाई यहाँ मत आना, अपना जाला माला यहाँ मत फैलाना। बहुत पहले शक्तिमान देखा था, जब मैं छोटा था, प्राइमरी में था, शक्तिमान देखा था। शक्तिमान में मुझे आज योगी जी शक्तिमान दिखते हैं और तमलाज किल्विश भाई दंगेश भाई दिखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मुझे मुक्ति दिलाई जाए। अब 5 साल हम लोग ने दूर रखा है, इस 5 साल भी उनको बताया जाए कि जो आपका फॉर्मेट है वो फेल्ड फॉर्मेट है। प्लीज गोंडा में, देवीपाटन मंडल में, इनका हर जिले में यही सिस्टम था भाई साहब। गोंडा में जिस फॉर्मेट से इन्होंने चलाया है, बस्ती को भी उसी फॉर्मेट से चलाया है, बहराइच को भी उसी फॉर्मेट से चलाया है। मैं चाहता हूं कि ईश्वर हमको ये दिन कभी ना देखने दे कि दंगाइयों के हाथ में प्रदेश जाए और हमारा गल्ला जो आज गरीबों के भंडार में है वो कल इनके माध्यम से बांग्लादेश बेचा जाए। हम निजात चाहते थे और इसीलिए हमारे यहाँ की बूढ़ी बुजुर्गे, जितनी भी हमारे यहाँ लेडीज हैं, जेंट्स हैं, हमारे यहाँ के लोग हैं, वो इनसे मुक्ति चाहते हैं। गोंडा की सियासत में ब्रजभूषण शरण सिंह और पंडित सिंह के बीच सियासी अदावत कई दशकों से चली आ रही। हालांकि प्रतीक भूषण की माने तो वो चुनाव को निजी लड़ाई नहीं मानते। सूरज सिंह, प्रतीक भूषण सिंह, एक विरासत की लड़ाई भी है यहाँ पर, ब्रजभूषण शरण सिंह और पंडित सिंह की। तो वो दूसरे लोग जो सभी जानते हैं पूरे प्रदेश में गोंडा के बारे में कि यहाँ की जो सियासी विरासत है उसमें दोनों घरानों की लड़ाई बहुत पहले से चलती रही। मुझे इन निजी लड़ाइयों से कोई मतलब नहीं है। मुझे यहाँ के लोगों ने चुना था और मुझे इसलिए चुना था क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोग बदलाव चाहते थे और मैं बदलाव वो देख रहा हूँ। हम लोगों ने उसके लिए काम किया है। हमारे यहाँ, मैं देवीपाटन के किसी भी जिले का नाम लूँ, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले का नाम लूँ, हर जिले में अपहरण का मेन धंधा था। इन लोगों ने CMO को उठाया गोंडा में, तो वहाँ बस्ती में XCN को उठाया गया। किसी जिले में बिजली के कर्मचारी की हत्या की गई। इन लोगों ने, जैसे बसपा की गवर्नमेंट, एक सवाल वैभव सिंह से भी बनता है कि राष्ट्रीय युवा मंत्री भी हैं, महामंत्री हैं, ये तो गोंडा से रहने वाले हैं। भैया, ये जो लड़ाई चल रही है अहंकार संस्कार की, और यहाँ के मूल निवासी हैं आप, तो ये कौन अहंकारी है, कौन संस्कारी है? देखिए, अखिलेश जी और उनकी पार्टी से संस्कार की उम्मीद ना मुझे है ना उत्तर प्रदेश की जनता को है। हमने उनका बहुत संस्कार देख चुके हैं और अब ईश्वर ना करे कि उनको कभी दोबारा ये अवसर मिले कि हम लोग को फिर अपने अपने ढंगों से संस्कार करें। हम लोगों का पेट भर चुका है उत्तर प्रदेश की जनता। अखिलेश यादव को 10 मार्च को उसी एक्सप्रेस वे से जो उन्होंने घर जाने के लिए बनवाया था अधूरा, उसी से वापस भेज देगी। प्रतीक भूषण सिंह के समर्थकों का भी दावा है कि उनके लखनऊ जाने का रास्ता साफ है और जनता इस बार भी उन पर ही भरोसा करेगी। ये जो बोल रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी और बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, तो ये सब सही बोल रहे हैं? लखनऊ इनका रास्ता सुगम है? बिल्कुल सुगम है, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि मेरा यूपी मेरा गौरव एक अभियान चला रही हूं, पूरे ऑल डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है और पूरे यूपी में चल रहा है। तो मैं, आप देख रहे हैं कि मैं यहां पे खड़ी हूं, मैं भी यहां पे भी वही अभियान चलाने के लिए आई थी और यहां के लोगों के विचारों को जानने के लिए आई थी। तो लोग, अगर मैं लड़की होकर के ये अभियान चला रही हूं, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी योगी सरकार की, सबसे बड़ी गौरव के प्रतीक है ये, ऑब्वियसली है। गोंडा सदर सीट पर भले ही प्रतीक भूषण सिंह फिर से अपनी जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन जनता उन्हें लखनऊ भेजती है या नहीं, ये तो 10 मार्च को चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा। गोंडा से विनेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। लखनऊ चलो में अब बात करते हैं प्रयागराज की पश्चिमी विधानसभा सीट की,
जिस पर भाजपा की ओर से कैबिनेट मंत्री और यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह की साख दांव पर है। सिद्धार्थनाथ सिंह भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इलाके से माफिया राज के खात्मे का दावा कर रहे हैं। प्रयागराज की पश्चिम सीट पर भी पांचवें चरण में मतदान होना है और इस सीट से भाजपा के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह चुनाव मैदान में, जिनका दावा है कि भाजपा के राज में इलाके से माफिया राज का सफाया हुआ है और लोगों को ये बात पसंद आ रही है। आप अपने लिए एक नारा देते हैं, पिछले चुनाव में भी आपने दिया था, इस चुनाव में भी दे रहे हैं, क्या है वो नारा और इसके पीछे का क्या मकसद है, क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, पिछली दफे जब मैं आया था, ये बाहुबली की सीट है, तो जब मैं आया था तो लोगों ने यहाँ पे मुझसे पूछा और मीडिया ने विशेष रूप से पूछा कि आप यहाँ आए हैं सिद्धार्थ जी, बाहुबली की सीट है, तो मैंने कहा मैं एक एक्सपेरिमेंटल मोदी जी का एक्सपेरिमेंटल बॉय हूँ, क्योंकि मैं मोदी जी के विकास को लेकर आया हूँ और विकास करूँगा। अब क्योंकि बुलडोज़र 403 सीटों पर चला है, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 75 आवास जो गरीबों के हैं, जो बाहुबली की ज़मीन के ऊपर बन रहे हैं, मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया है, उसका शिलान्यास भी हो चुका है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अब पूरे के पूरे जो एक बुलडोज़र सीएम या बुलडोज़र बाबा जी इनको कहा जाता है, मैं उनका अब एक्सपेरिमेंटल बॉय हूँ। अच्छा, इस चुनाव में बुलडोज़र जो है खुद आपके और पार्टी के कितना काम आने वाला है? नहीं देखिए, ये कानून व्यवस्था लोगों की जो गरीब है उनको प्रताड़ित कर कर उनकी ज़मीन जो ली गई है, तो उसके आधार पर जो उन लोगों को सुकून मिला है, तो उससे लोगों को फ़ायदा मिलता है और लोगों को विश्वास बढ़ता है कानून व्यवस्था में, और ये जो भूमाफिया हैं उनके ऊपर अंकुश लगता है, तो स्वाभाविक है जनता खुश होती है इन चीज़ों से, तो जिससे जनता खुश होती है वो जरूर चुनाव में फायदा देता है। प्रयागराज पश्चिम सीट से सपा से ऋचा सिंह चुनाव मैदान में, जिन्हें भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह माफिया अतीक अहमद का मुखौटा बता रहे हैं, साथ ही अपनी बात को सही साबित करने के लिए तर्क भी दे रहे हैं। इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर लखनऊ चलो का हमारा सफर लगातार जारी है। हमारे साथ हैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जो कि इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। सर, ये बताइए कि इस सीट पर इस बार किस पार्टी या किस उम्मीदवार से मुकाबला मान रहे हैं? नहीं देखिए, इस दफे भी जो लड़ाई है वो दल के हिसाब से तो मैं समाजवादी पार्टी कहूँगा, मगर है अतीक अहमद के मुखौटे से। अतीक अहमद का तो जेल में है पिछले 5 साल से, जितने दिन से आप लोगों की सरकार है। देखिए, आप भूल जाते हैं कि अतीक अहमद की बेगम ने भी पर्चा खरीदा था, लेकिन लास्ट मिनट में उन्होंने कैंसिल किया था, उनके लोगों ने ही बयानबाजी करी थी और उसमें कहा था कि हम ध्रुवीकरण जो है इसलिए हम अपना विड्रॉ कर रहे हैं, तो ध्रुवीकरण की राजनीति आगे लेकर आना चाहते, पोलराइज करना चाहते थे। उनका ये मानना है और समाजवादी पार्टी का मानना है कि जो ये मुस्लिम वोट है वो समाजवादी पार्टी को मिलेगा। मेरा तो नहीं मानना है, मैं जब भी वो मानते हैं उनका मानना ये है, उनकी अरिथमेटिक है, और यही कारण था जिसलिए मौर्य का जो टिकट मिला था मौर्य जी को, वो मौर्य जी का टिकट भी लास्ट मिनट में कटता है, क्योंकि मौर्य जी और अतीक अहमद का कुछ पीछे का रहा जरूर है BSP के कारण, तो मगर ऋचा के साथ उनका कहीं ना कहीं कुछ ना हो सकता है, तो ये सब देखते हुए जितनी भी स्टोरीज चल रही हैं मार्केट में वो इस दफ़े दिखा रही हैं कि अतीक अहमद फुल सपोर्ट में है ये समाजवादी पार्टी। सिद्धार्थनाथ सिंह का दावा है कि प्रयागराज पश्चिम सीट से उनकी जीत तय है, हालांकि इस बार वो लखनऊ पहुंच पाएंगे या नहीं, इसका आखिरी फैसला प्रयागराज पश्चिम की जनता को करना है। प्रयागराज पश्चिम से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं प्रयागराज पश्चिम सीट पर भाजपा के सिद्धार्थनाथ सिंह का सीधा मुकाबला सपा की ऋचा सिंह के साथ है, जो चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह पर बड़े आरोप लगा रही हैं। ऋचा सिंह का दावा है कि इस बार इलाके में अखिलेश यादव की आंधी चल रही है।
प्रयागराज पश्चिम सीट पर भाजपा सपा में सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है और भाजपा के सिद्धार्थनाथ सिंह के खिलाफ सपा की ऋचा सिंह भी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। सपा प्रत्याशी ऋचा सिंह का दावा है कि प्रयागराज पश्चिम का गढ़ इस बार सपा के खाते में जाएगा। तो लखनऊ चलो का कारवां आज आप पहुंचा है प्रयागराज के शहर पश्चिमी विधानसभा सीट में और हमारे साथ हैं ऋचा सिंह जो कि समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं। ऋचा जी, आप लगातार दूसरी बार लखनऊ जाने का प्रयास कर रही हैं, किस तरीके की तैयारी है लखनऊ जाने की? देखिए, इस बार जनता का अपार स्नेह है, समाजवादी पार्टी की सरकार और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का मन जनता ने बना लिया है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को गुमराह करने का काम किया और गुमराह करके वोट ले लिए, लेकिन आप देखिए, आप यहाँ जो हम मौजूद हैं, इस शहर पश्चिमी का बीचों बीच का हिस्सा है, लेकिन ना सड़क है ना नाली है। एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो कि सिद्धार्थनाथ जी की खड़ाऊँ रख के जिन्होंने चुनाव लड़ा, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन केपी ट्रस्ट की एक बड़े हिस्से की जमीन पूंजीपतियों द्वारा कब्जा ली गई, लेकिन सिद्धार्थनाथ जी उसको ना खाली करा पाए और ना उनको न्याय दिला पाए, बल्कि जिन्होंने कब्जा की, जिनको बेच दी गई, उसमें उनकी हिस्सेदारी रही। सपा प्रत्याशी ऋचा सिंह चुनाव प्रचार के दौरान खुद ट्रैक्टर भी चला रही और दावा कर रही कि इस बार जनता सपा के साथ है। ये मैसेज दे रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी की महिलाएं हैं वो ट्रैक्टर भी चला सकती हैं, सड़क पर भी निकल सकती हैं। देखिए, समाजवादी महिलाएं और इस देश की महिलाएं हेलीकॉप्टर भी उड़ा सकती हैं और ट्रैक्टर भी चला सकती हैं, साइकिल भी चला सकती हैं और मिसाइल भी चला सकती हैं। और भ्रष्टाचारी मंत्री को वापस घर भी बेच सकती हैं। ये बताइए, मंत्री जी तो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने क्षेत्र में बहुत विकास कराए हैं 5 सालों में। देखिए, आप मेरे साथ इस समय शहर पश्चिमी की सड़क पर मौजूद हैं और आप विकास को देख सकते हैं। विकास ये हुआ है कि उन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया है, लेकिन सड़कें नहीं बनी है, जनता को गुमराह करने का काम है और शहर पश्चिमी के तमाम मोहल्लों से उनको वापस भेजने का काम किया जा रहा है। जनता बेहद आक्रोशित है। ये बताइए, किस तरीके का समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, अपार जन समर्थन है। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की आंधी चल रही है, अपार जनसमूह जन समर्थन उमड़ पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। ये वो नौजवान है जो माननीय अखिलेश यादव जी को 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सड़कों पर निकल चुके हैं और अब ये आंधी 10 मार्च तक चलेगी और 10 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद ही रुकेगी। सिद्धार्थनाथ सिंह के खिलाफ ताल ठोक रही ऋचा सिंह भले ही अपनी जीत का दम भर रही है, लेकिन प्रयागराज पश्चिम की जनता लखनऊ किसे भेजेगी, ये तो 10 मार्च को मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगा। प्रयागराज पश्चिम से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए सीधे आपको प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। होते चुनाव का जो रुझान होगा, फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर लेगी और प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। इसीलिए तो उन्होंने 11 तारीख को अपने विदेश भागने का पहले से इंतजाम कर लिया है, अपनी टिकट बुकिंग इसीलिए विपक्ष करा रहा है क्योंकि उन्हें मालूम है परिणाम क्या आने जा रहे हैं। ये तो पूरा देश जानता है। CMII की रिपोर्ट को अगर उन्होंने पढ़ा होता, उसकी रिपोर्ट इस बात को कहती है कि उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 16-17 में 18% था, आज वह घटकर के 3% रह गया है और भारतीय जनता पार्टी ने ये संकल्प लिया है अगले 5 वर्ष के दौरान हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ जोड़ने का काम करेंगे। अब इसीलिए तो उनके कार्यालय में अभी से भूत नाचने लग गए हैं, सपा के नेता, बसपा के नेता अभी से विदेश की अपनी बुकिंग करा चुके हैं। हाँ, बुलडोजर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का प्रतीक भी है और बुलडोजर माफिया के अंदर भय पैदा करने का भी एक तरीका है। कहा जा रहा है कि श्रीराम जो है, बीजेपी ने श्रीराम को अपना बना लिया, श्रीराम के मंत्री हैं।
भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। राजनीतिक मुद्दा नहीं। देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ का रोड शो, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। इसके साथ साथ सवालों के जवाब देते हुए भी नजर आए। स्टूडियो में यहां मौजूद घड़ी को भी आप देख पा रहे होंगे। ये घड़ी बता रही है कि चुनाव प्रचार में वक्त अब इतना ही बचा हुआ है, और उसके साथ में आप काउंट डाउन भी देखेंगे कितना बचा हुआ वक्त है वो भी आप देख पाएंगे। सिर्फ 37 मिनट का वक्त बचा है। और अब ये देखिए प्रयागराज से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के रोड शो की ये तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए हैं, सुरक्षा के भी वहां पर इंतजाम किए गए हैं, और योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आखिरी घंटा प्रयागराज में, क्योंकि पांचवें चरण में ही चुनाव होना है, और आखिरी घंटे में ये रोड शो करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तमाम सियासी सूरमाओं ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार के दौरान झोंक दी है। पांचवें चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी वक्त चल रहा है, बहुत कम वक्त बचा हुआ है। और उससे पहले प्रयागराज से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग रोड शो में मौजूद हैं, फूलों की बरसात वहां पर की जा रही है, हाथों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लिए लोग नजर आ रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ का ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से, जहां योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं, उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज और भी मौजूद हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं प्रयागराज में, क्योंकि पांचवें चरण में मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार का ये आखिरी मौका है, और इस मौके को चूकना नहीं चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज की धरती से कई सियासी सूरमाओं ने कई बड़ी बातें कही, चुनाव प्रचार भी वहां से हुआ, लेकिन आखिरी वक्त में ये प्रचार योगी आदित्यनाथ का बेहद अहम हो जाता है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई।